हेलो स्टूडेंट्स, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग इस समय अपनी क्लास में कार्बोनिल कंपाउंड्स के टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो तीन क्लासें इसके द्वारा इस क्लास में आपको प्रोवाइड कराई गई। आज हम लोग अगले क्लास में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है। हाइड्रोकार्बन तो देखिए, हाइड्रोकार्बन ऐसे ही दो नाम से बना है। हाइड्रो प्लस कार्बन मीन्स कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होंगे वो कंपाउंड क्या कहलाएंगे बच्चों? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ठीक है, लिखा हाइड्रोकार्बन तो डिफिनेशन क्या हो गई? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि एग्जांपल के रूप में कह दिया जाए CH4 C2H6 C2H4, तो ऐसे कंपाउंड क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड किससे बने हुए हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं, इस कारण इनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया गया एक तो उनके बॉन्ड्स के आधार पे और दूसरा उनके चेन के आधार पे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किया गया दो आधार पे। तो आगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स बॉन्ड के आधार पे हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। तो बॉन्ड के आधार पे हाइड्रोकार्बन का जो पहला क्लासिफिकेशन है वो कहा जा रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जा रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच क्या हो? सिंगल बॉन्ड पाए जाए, मीन्स वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड OR one pair of electron sharing between carbon carbon atom is called saturated hydrocarbon। क्या कहलाएंगे? saturated hydrocarbon compound containing single covalent bond or one pair of electron sharing between carbon carbon atoms is called saturated hydrocarbon। जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो CH4 है जिसमें कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग। सिंगल बॉन्ड मीन्स यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? दिखता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? दिखता है। तो ये क्या कहलाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या फिर बात करें C2H6
तो दो कार्बन और इन दोनों कार्बन के बीच में भी सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखती है। इनके बीच में क्या होती है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखती है। तो इस कारण ये भी क्या है आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्ड एल्केन, कार्ड एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्ड एल्केन और इट्स जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2। याद रखिएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहेंगे, एल्केन। इट्स जनरल फार्मूला CnH2n+2 where n is equal to नंबर ऑफ कार्बन एटम, where n is equal to नंबर ऑफ कार्बन एटम, जहां n क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जहां n क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर आई थी बात सुन में, तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दीजिए आप सभी। यदि शेयर नहीं कर सकते हैं तो लाइक तो कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये तो हमारे लिए बनता है आपके द्वारा। ठीक है, चलिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स पहला क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब दूसरी की बात करते हैं तो दूसरा क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स सेकेंड क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में कहा जाता है कि कंपाउंड कंटेनिंग डबल और ट्रिपल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अनसैचुरेटेड क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कंटेनिंग डबल आर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड आर टू आर थ्री, टू आर थ्री पेयर ऑफ, टू आर थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू आर थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। तो क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। तो क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड कंटेनिंग डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जिस कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे उन्हें क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या फिर टू आर थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उसे क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर टू टाइप्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के होंगे, एक होगा एल्कीन, एक क्या होगा एल्कीन, एल्कीन के बीच मतलब जिनमें डबल बॉन्ड होगा, एल्कीन क्या होगा जिनके बीच डबल बॉन्ड होगा, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा उन्हें क्या कहेंगे, एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मीन्स टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, डबल बॉन्ड मीन्स क्या, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो क्या कहलाएंगे, एल्कीन कहलाएंगे। इट्स जनरल फार्मूला CnH2n, इसका जो जनरल फार्मूला होगा एल्कीन का वो क्या होगा, CnH2n होगा। और n means मैंने बता ही दिया कि n क्या है, n means number of carbon atoms, n means क्या, number of carbon atoms। फिर दूसरा क्या है, alkynes, ठीक, alkynes means triple bond, alkynes क्या हो गया, triple bond,
जिनके जिनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा या फिर कहा गया थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। यदि कार्बन कार्बन के बीच थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है या फिर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाएगा, एल्काइन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एल्काइन कहा जाएगा। और इसके लिए जो जनरल फार्मूला होता है बाबू, एल्काइन के लिए होता है CnH2n-2। के हो गए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर टू टाइप्स, एल्कीन्स डबल बॉन्ड CnH2n, एल्काइन्स ट्रिपल बॉन्ड CnH2n-2। जैसे इसके एग्जांपल की यदि बात कर ले तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, C2H2। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। देखिएगा, दो कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का लेके बाकी ये भी हाइड्रोजन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा और बाकी कार्बन के तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो यदि इस कार्बन के ऑर्बिट कंप्लीट कराने हैं तो इस कार्बन के छह हाइड्रोजन का ही तीन, तीन छह दो आठ, एक कार्बन का ऑर्बिट कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ। ऐसे इस कार्बन के लिए कार्बन इस कार्बन के साथ शेयर कर लेगा और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन की शेयर। तो यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या हो गया, एल्काइन हो गया। क्या हो गया, एल्काइन हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स हाइड्रोकार्बन आर टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एल्केन्स, अनसैचुरेटेड टू टाइप्स एल्कीन एंड एल्काइन्स, एल्कीन आर डबल बॉन्ड, एल्काइन्स आर ट्रिपल। क्लियर आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्लासिफिकेशन इसका क्या होगा, देखिए क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बच्चों। यदि अभी तक आप लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स, अगला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेन बॉन्ड्स का ही क्लासिफिकेशन था हाइड्रोकार्बन का। तो दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ चेन, चेन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ चेन के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन। तो पहला कहा गया है एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स कहा गया है कि स्ट्रेट आर ब्रांच्ड चेन कार्बन एटम्स, जिनके पास स्ट्रेट या ब्रांच चेन कार्बन एटम्स होगा, दे है स्ट्रेट, दे है स्ट्रेट और ब्रांच, और ब्रांच दे है स्ट्रेट और ब्रांच चेन ऑफ कार्बन एटम, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब क्या कहलाएंगे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, जिनके पास स्ट्रेट या ब्रांच चेन का कार्बन एटम्स होगा, जिनके पास स्ट्रेट या ब्रांच चेन का कार्बन एटम्स होगा बच्चों, तो क्या कहलाएंगे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जैसे कहा दिया जाए ब्यूटेन, क्या कहा दिया जाए, ब्यूटेन, ब्यूटेन मीन्स स्ट्रेट कार्बन चेन बनेगा, एन मतलब अभी बताया गया एल्केन, तो एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो हो गया स्ट्रेट चेन। ठीक, ये बात कर दी जाए आइसोब्यूटेन, किसकी बात कर दी जाए, आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन
और ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब क्या था, C4H10 आइसोब्यूटेन में ब्रांच चेन, कार्बन का क्या हो जाएगा, ये ब्रांच चेन हो जाएगा, कार्बन का ये ब्रांच चेन निकल गया, तो ये क्या कहलाएंगे, अर्थ आइसोब्यूटेन कहलाएंगे। मतलब ये कौन से हाइड्रोकार्बन है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, क्लियर। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या हुए, जिनके पास स्ट्रेट या ब्रांच चेन ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ चेन पे दूसरा क्या है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मीन्स दीज कंटेन रिंग्स ऑफ कार्बन, दीज कंटेन रिंग्स ऑफ कार्बन, दीज कंटेन रिंग्स ऑफ कार्बन एटम, इनमें कार्बन एटम्स क्या होगा, एक रिंग्स के रूप में होगा, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम्स क्या होगा, ये रिंग्स के रूप में हमें प्राप्त होगा, तो क्या कहलाएगा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे कह दिया जाए साइक्लोहेक्सेन मतलब C6H12, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया, हेक्सेन स्ट्रक्चर, दो दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इन सबसे, हाइड्रोजन इस साइक्लोहेक्सेन हुआ, क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन। तो क्या है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या फिर कहा जाए बेंजीन मतलब C6H6, बेंजीन क्या हुआ, C6H6, छह कार्बन होंगे, देखिए जितने कार्बन है वो सब कार्बन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर ये सब क्या होंगे, यहाँ पर कार्बन, ठीक है, क्या पाए जाएंगे, कार्बन पाए जाएंगे। तो हो गया बेंजीन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो ऑन द बेसिस ऑफ चेन, ये हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कितनी तरह के होते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है कि आप अपने सुझाव दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किए बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही हमारा इनकम है समझिए एक तरीके से, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हमारा उत्साह वर्धन हो, हम फिर आपको अगली क्लास आपको प्रोवाइड जल्द ही कराएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ।